Big F with Randeep Hooda. 87 kilos. मेरा वेट 87 किलोज है, बट रिसेंटली फॉर अ फिल्म आई लॉस्ट 20 किलोज, तो उस हिसाब से मैं आज मोटा हूँ। फेयरनेस क्रीम वालों के हिसाब से मैं काला हूँ, बट मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं उनसे गोरा। काफ़ी कंफ्यूजिंग है ना यार ये सब। व्हाट इज़ अ करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर अ बॉडी? अच्छा, तो आप अपना टेस्ट किसी और पे थोप के उसको बताओगे कि वो कैसी दिखनी चाहिए? अगर आपको वो सेक्सी नहीं लगती, इसका मतलब वो सेक्सी नहीं है। आपके हिसाब से वो अपना वेट लूज करेगी और फिर गोरी होने की कोशिश भी करेगी। अ गर्ल इज नेवर गुड इनफ फॉर यू। सो पहले हमने एक लड़की को एहसास दिलाया कि वो ब्यूटीफुल नहीं है, फिर हमने उसकी खामियों का एक बिजनेस बना दिया। मुझे इंसान के सिर्फ एक पार्ट के मोटापे से सख्त नफरत है, मोटे दिमाग से। सिर्फ मोटे दिमाग वाले दूसरे पे आसानी से टैग लगा देते हैं, काली मोटी नाटी सुकड़ी। आपको नहीं लगता कि जो ऐसा कह के लड़कियों की बॉडी शेमिंग करते हैं वो खुद दिल से कहीं काले होते हैं? ऐसे ही कुछ लोगों के बीच फंसी है हमारी संजना। फनी विटी बट कन्विंस्ड बाय दिस सिक सोसाइटी दैट दे डिसाइड व्हाट्स प्रिटी बाय देयर स्टैंडर्ड्स। मैं तो कहता हूँ संजना को उनके कान के नीचे बजाना चाहिए एक। क्या? अच्छा, अभी नहीं बोलूँ, वो खुद बोलेगी। ओके ओके ओके, सॉरी। तो खुद ही देखिए क्या करती है संजना। Take some chocolate whipped cream. उसके बाद you will get a perfect 8 inches of brown delight. Wanna see? Yes. This looks amazing. I'll pick this tomorrow. कल के लिए कोई एडवाइस? क्यों? कल क्या है? कल से I'm doing a series of guest lectures at a hotel management institute. Maybe start off by comparing cooking to art. अपने स्टूडेंट्स को बताओ, वी कुक टू सैटिस्फाई आवर सोल्स। तो क्लास शुरू तो ये अपने स्टूडेंट्स को कहूँ नॉट टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज शेफ्स बट एज आर्टिस्ट्स। वेल, आई विल बिलीव दैट व्हेन आई सी इट। सो व्हेन आर we meeting? Soon, very soon. Anyway, wish me luck. Thanks. एक मिनट यहाँ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कल की जो ऑनलाइन चैट हुई थी इन स्लिम 40 हॉटी आंटी के साथ, तो यू आर मिस्टेकन। एक सीक्रेट शेयर करूं? एक्चुअली मैं अपनी मम्मा की पिक्चर्स यूज करके उस ओ सो हॉट शेफ के साथ चैट करती हूँ। सी, इट्स नॉट दैट आई डोंट थिंक आई एम क्यूट, इनफैक्ट मैं और मेरी ये जो बेकिंग है ना, सुपर ऑसम है। ओके, बट क्या करे, करना पड़ता है कभी कभी। ओके, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हम दोनों का सीक्रेट है, प्रॉमिस? ओके, नो वन कम्स टू नो अबाउट इट। ओके, जाओ। सीरियसली संजना, क्या कर रही हो? स्टॉप बीइंग सो क्लमजी। मम्मा चल ना, अब मैं क्या करूं अगर फीमेल एनाटॉमी होती इतनी कन्वीनियंट है? देखो, अब अगर ये डबल सपोर्ट का टेबल नहीं होता तो फूड वेस्ट हो जाता ना। देखो, हमारा प्रीत तो आ गया, अब इस बेचारे को देखो, ये फैसिलिटी है ही नहीं, राइट? वैसे मुझे तो किसी भी टेबल पे एक 9-course मील की सीटिंग मिल जाए। छ
जी अच्छा सुन मैं अपनी बैग लेकर आती हूँ संजना ये तुम्हारा फिटनेस बैंड बेडसाइड शोपीस नहीं है वेयर इट एंड फिनिश 10,000 स्टेप्स टुडे तुम्हारे लव हैंडल्स मत देखो दिस इज लाइक द लास्ट टाइम आई एम वार्निंग यू डोंट टच मी देयर तुम कुछ भी सीरियसली ले ही नहीं सकती नॉट योर हेल्थ नॉट योर एजुकेशन अच्छा वो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में कुकिंग कोर्सेज के लिए अप्लाई करना था उसका क्या हुआ संजू मैंने आपसे कहा ना इससे पहले भी कि I want to study here. मुझे अब्रॉड नहीं जाना है मैं किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी Don't you understand? वहां तुम्हारे prospects बेहतर होंगे संजना मम्मा अगर मैं वहां चली जाऊंगी तो मेरे यहाँ के सारे boyfriends बुरा मान जाएंगे You know, I'm being so thoughtful about them. बहुत मिस करेंगे ना मुझे फिर से जोक You know, I'm tired. I've tried to be a good mother to you. You haven't tried enough. Have you? Sanjana, at least cut her some slack, yaar. It's been hard for her since your father left. Listen, he left her only and only because of her. And I don't think he's done anything wrong. Unhone wahi kiya jo unke liye sahi tha. And I'll tell you something, Preeto. According to me, I'm quite perfect. Fat is beautiful. There's so much more of me to love, yaar. I mean, theek hai, patla hi hona na. Ho jaungi kabhi na kabhi. एक तो ना ये बात मम्मी को तो समझाना बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया है। अच्छा तो फिर उस शेफ विक्रम चावला से चैट करते हुए अपनी आंटी की फोटो क्यों भेजती है आई मीन उसको अपनी मोर ऑफ यू टू लव वाली साइड क्यों नहीं दिखाती लिसन ये एकदम ना वो सोल सर्चिंग वाली आंटी की तरह ना बनतू लिसन आई एम वेरी एक्साइटेड आज विक्रम आने वाला है कॉलेज में ये लिखा और अब मेरे साथ जल्दी चल निकल यू नो वॉट वैसे प्रीतो का सवाल गलत नहीं था आई मीन मेरा मेजर वाला स्टबल वाला क्रश है ऊपर से ही इज अ सेलेब शेफ ब्रो अगर मुझे उसे अपनी पिक भेजनी होगी तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो मेरे वे स्केल के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ना लो आ गई भूचाल साइलेंस कम यहाँ है डू यू गाइस नो हु आई एम यस सर क्या मैं तुम्हें किसी कंपनी का बॉस लग रहा हूँ या फिर कोई स्कूल टीचर ये कोई बायोलॉजी क्लास नहीं है जहाँ पर मैं तुम्हें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सिखाने वाला हूँ यू नो व्हाट दैट वुड बी फन रूल नंबर वन इन माय क्लास ना तो मुझे सर बुलाओगे ना मिस्टर विक्रम ना मिस्टर चावला यू विल एड्रेस मी एज शेफ अगर मैं तुमसे कोई सवाल पूछूं यू विल से यस शेफ या फिर नो शेफ रूल नंबर टू योर वर्क स्टेशन मस्ट ऑलवेज बी क्लीन वॉश योर हैंड्स बिफोर एंटरिंग माई किचन And always wear an apron. Are we clear? Yes, chef. Yes, chef. Perfect. नहीं तुम लोग नहीं मेरा हवाइन फ्रूट सैलेड आज तुम सब ये हवाइन फ्रूट सैलेड बनाओगे मेरा मुंह क्या देख रहे हो Come on, chop, chop. Get to it. Move, move. Come on, keep your hands moving. तुम्हारे पैर थकने चाहिए अगर हाथ कट जाए you continue working. You are racing against time. You have to be on pinpoint precision. Precision ke bina, tum apne guest ko khana nahi de paoge. What do you love about food? Food. Yeah, food. I love food. क्योंकि आई थिंक अ ग्रेट प्लेट ऑफ फूड कैन बी कंपेयर टू अ ग्रेट पीस ऑफ आर्ट लोग कहते हैं ना कि द वे टू समवन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक बट आई स्लाइटली डिसएग्री अब मेरे हिसाब से फूड इज द ओनली वे नॉट जस्ट टू द पर्सन्स हार्ट
but to his soul as well. Interesting. Suna sabne, your dish is like art, and you are the artist of that dish. तुम्हारा इंग्रेडिएंट्स, तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त या बिगेस्ट एनिमी हो सकता है. नो योर इंग्रेडिएंट्स इनसाइड आउट. टुमारो किचन इज क्लोज्ड. आई सी यू गाइस टुमारो. Such a national disaster. उसने मेरी डिश को देख के कुछ कहा क्यों नहीं? Hey, just finished class. Miss chatting with you. Me too. अच्छा, tell me how was class? Anyone interesting? I mean, students कैसे थे? Amateurs. एक लड़की थी, प्रीटी इंप्रेसिव. ओह रियली? लेट्स मीट. Come on. Get up. Get up. Give me your hand. I'm so sorry, sir. I'll fix it up for you. It's fine. It's fine. It's fine. $500. 250 more. क्या कर रही है? और खाएगी तो फट जाएगी. And why are you so tensed? सिर्फ शर्ट ही तो फटी है. And उसने तुझे क्यूट भी तो कहा. हाँ यार, मुझे पता है उसने मुझे क्यूट कहा, लेकिन क्यूट तो पांडा भी होता है ना. I'm telling you, this is just too messed, यार. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. अच्छा चल ली. 150 more. I have to do it. Sanjana! Sorry. अच्छा, वो न्यूयॉर्क कलिनरी स्कूल के एडमिशन्स के लिए कुछ ही दिन बाकी है. तुमने अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट कर दिया ना? वो एक्चुअली मैं भेज रही थी, बट द वाईफाई वाज डाउन. तुम ऑनलाइन शोज देख रही हो? यू थिंक आई एम एन इडियट? नो, व्हाट द हेल संजू, तुम किसी भी चीज को सीरियसली नहीं ले सकती. लास्ट ईयर जिम मेंबरशिप ली थी, 6 दिन गई तुम, उसके बाद यू जस्ट स्टॉप गोइंग. डाइटिशियन का बिल अलग, ये योगा क्लास ज्वाइन किया था एंड यू क्विट मिड वे. ऑनलाइन रनिंग शूज खरीदती रहती हो, पर रन पे तो जाती हो नहीं. ये साइकिल हमने तुम्हारे कपड़े सुखाने के लिए ली थी. संजना, मुझे लगा था कि एटलीस्ट कुकिंग को लेकर तुम पैशनेट हो. यू लव इट एंड यू गुड एट इट संजू. तो फिर ये फॉरेन स्कूल्स का एप्लीकेशन, ये सब तुम क्यों सीरियसली नहीं ले रही हो? यू नो संजना, यू डिस्गस्ट मी. आई नो. I know you're embarrassed कि आपकी बेटी मोटी है. You're embarrassed कि आपके दोस्त मेरे बेट को लेके मजाक उड़ाते रहते. You're embarrassed and you keep wondering कि मेरी मोटी बेटी को अच्छा रिश्ता कहाँ से आएगा. You
You just want me to lose weight so I can look good and you can save your face. Nothing else. That's it. Harpreet, why can't she just let me be happy? You know, I keep wondering, मैं इनकी फोटो यूज करके क्यों विक्रम से बात कर रही हूँ? I can't let him fall for such an evil and selfish face. He really needs to know the truth, okay? You know what? Call in class. I'm going to dress to impress. आज का हमारा लेसन होगा बहुत ही फन, क्योंकि टुडे वी गोना लर्न अबाउट वाइन और उसके लिए हम वाइन टेस्टिंग करेंगे. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू पोर योरसेल्फ अ स्मॉल ग्लास ऑफ वाइन. वी गोना टेक अ सिप ऑफ इट एंड आई वांट यू टू टेल मी व्हाट यू थिंक. यू नो आई लव वाइन. आई रेज माय ग्लास टू माय माउथ. आई लुक एट यू. Hi, Sai. जब हाथी करेगा नाव में सवारी तो ड्रेस तो फटेगी ना बेचारी. Everyone, get out of my class. You, out. I never want to see you again in my class. Leave! You. Wait. पहले दिन तुम गिरी और अब तुमने अपना ड्रेस फाड़ दिया. आगे क्या करने का इरादा है? मेरा ये किचन जला दोगी? थैंक यू. फॉर व्हाट? For standing up for me today. अगर किसी और स्टूडेंट के साथ ऐसा होता और I would have done the exact same thing. So you mean to say I'm just like any other student? Look, Sanjana. इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद I kind of know when someone's trying to impress me. Am I right? क्या तुम मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही थी? Okay, fine. I did all those things just to impress you. I really wanted to. Were you impressed? No. I'm sorry. I'm really very sorry to make you feel so uncomfortable. No, I mean it's fine. God, but this is so embarrassing. Can I ask you something? Do you have anyone else in your life? There is another girl. I think I'm in love. But मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं. मैं उस लड़की से कभी मिला नहीं हूं. Yeah. So technically, I think I'm the bigger loser. Feel better? You know when I was nominated for my first Michelin star award? और अब कल मुझे पता चल जाएगा if I got lucky for the third time. My point is, कितने सालों बाद मैंने ये सीखा that it doesn't matter. You don't need to impress anyone. You just need to be yourself. Thank you. And all the best. You're welcome. And thank you. Special day tomorrow. कल जब मुझे
थर्ड मिशेलिन स्टार के बारे में पता चल जाएगा। आई होप यू विल बी देयर टू सेलिब्रेट माई सक्सेस। यस, हम कल मिल रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू। Yeah, hi. Yes, this is Chef Chawla speaking. Chef Chawla, this is from the committee. We are really sorry to inform you that you didn't get the Michelin star this time. The competition was pretty tough. Yep. But, you know, there's always a next time. Yes, so that's fine. Thank you so much for calling. Thank you. I can't believe this is happening. Like, today is the day when I'm actually going to reveal my real identity to him. He'll be happy, na? Of course, yes. He said he loves my brains. And anyway, that is something that turns him on. Lekin uski sari ex-girlfriends bahut hi skinny aur hot types ki thi. No. I'm fine, right? Like, I'm just okay. And वैसे भी skinny लड़कियों के curves थोड़ी होते हैं. And I'm like 90% curves, and that's what guys love the most. But what if I'm too many curves for him? Shit. No, this is not happening. I can't do this. I can't. What do I do? I can't do this. It's fine. I mean, वो मैं. Listen, please go. I'm having a really bad day. और मैं किसका wait कर रहा हूँ? और कोई नहीं आने वाला विक्रम, मैं ही तुम्हारी guest हूँ. Listen, I don't have time for these jokes. Please. तुम online जिसे message करते हो, just text her once. I'm telling you, I don't have time for this. Leave. I plead you, just one text message. Vikram, I'm really sorry. I can explain this to you. मैंने मेरी मम्मा की पिक्चर्स यूज करके तुम्हारे साथ चैट किया, but I really didn't mean to hurt you. I swear, मैं तुम्हें hurt कभी नहीं कर सकती। Vikram, please listen to me. Vikram, no. Vikram, get out. Vikram, please मेरी बात सुनो। क्यों? क्यों मैं तुम्हारी एक भी बात भी सुनूं, हाँ? Because you fell for me. No, I didn't fall for you. I fell for your bloody lies. मेरी personality. My sense of humor, my love for food. Vikram, ye sab jhoot nahi tha. Please trust me. Exactly. Agar tumhari personality, tumhara sense of humor, tumhara love for food itna hi acha hai, then why did you feel the need to lie to me? About the way you look, huh? I was afraid कि तुम ऐसे react करोगे। मैं कैसे react कर रहा हूँ? With disgust. I'm not disgusted about how you look. I'm disgusted by what you did. तुम समझती क्यों नहीं हो? सभी के hot profile pictures होते हैं। कोई भी photoshop करके दो filter लगा के अपनी profile picture डाल दे, and everyone bloody looks like Katrina Kaif. I was attracted to your mind.
bloody disappointing. So, aren't you disgusted by how I look? No. I'm not. Aur mera mind tumhe turn on karta hai, really? Prove it. What? प्रूव करो कि ये सारी चीजें जो तुम कह रहे हो ये झूठ नहीं है. प्रूव इट दैट ऑल दीस थिंग्स, ये जो सारी चीजें तुम कह रहे हो ना मुझसे, यू नॉट जस्ट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, एंड दैट यू जेन्युइनली टर्न्ड ऑन बाय मी. नहीं कह सकते ना, इट्स ओके, यू नो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि तुम्हारे जैसा लड़का मुझ जैसी लड़की के साथ ना. I totally understand your feelings, you know, but it's okay. You know what? Let's just do one thing. Let's finish it off. Not right now. Okay. Tumhari body, tumhara comfort. I'm so happy. I can't believe this. I'm actually in his arms. I feel the best phase of my life has started now. Last and final time मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे abroad पढ़ाई करने नहीं जाना है, okay? Wow, what an intense workout. Good morning. Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Morning, 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 morning. Good morning. तुमने ये सब अकेले खाया? आलिया कौन है विक्रम? आलिया, आलिया भट्ट ना? स्टूडेंट ऑफ द ईयर, क्या है दूसरी फिल्म, उड़ता पंजाब की हीरोइन. लिसन लिसन, मेरा ना मजाक का बिल्कुल भी मूड नहीं है, जस्ट टेल मी हु इज शी. आलिया का कॉल आया था एंड व्हेन आई चेक्ड योर फोन आई थिंक हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार तुम उससे बात करते हो. तुम मेरा फोन चेक कर रही हो? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन संजना? यार प्लीज टेल मी ये आलिया कौन है. व्हाई यू गेटिंग सो वर्क्ड अप? आलिया मेरे किचन में काम करती है, उसे यूएस जाकर पढ़ाई करनी है, so I'm just advising her, what's the problem? If you've forgotten, I think हमारा relationship भी कुछ sort of similar grounds पे start हुआ था ना? You advised me on how to cook, and then you seduced me. I seduced you? Or did you seduce me? देखो, आलिया और मेरे बीच में कुछ नहीं हो रहा है. Can you believe me? I'm telling you, I mean, she's just a co-worker and a friend, that's it. 2 minutes पहले कह रहे थे कि she's just your co-worker, right? थोड़ी देर बाद तुम आओगे मेरे पास और कहोगे कि we are just friends with benefits. Come on, Sanjana, क्या बात कर रही हो? There's absolutely nothing happening with Alia and me. और please, ये सुबह सुबह, ये क्या है? ये chips, ये ice cream, ये burgers, क्या है ये? Can you please stop unhealthy eating? Will you please stop body shaming me? I am not body shaming you. संजना, मैं बॉडी शेम नहीं कर रहा तुम्हें. आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट द ऑब्वियस कि यू बिंज ईट व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, दैट्स इट. संजना, संजना, कहाँ जा रही हो तुम? सुनो, आई एम जस्ट स्टेटिंग एन ऑब्वियस फैक्ट कि यू बिंज ईट व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, दैट्स ऑल. और ये सब तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है. प्लीज स्टॉप बीइंग माय मदर. यू नो संजना, ये तुम्हारा binge eating, तुम्हारे सारे insecurities, it all stems from low self-esteem. और यही तुम्हारी low self-esteem तुम्हें life में आगे बढ़ने से रोक रही है. मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें, you're a great chef, you can achieve massive things in life, go to the US, do a course, study, become something. क्यों नहीं जा रही हो तुम? Such a lovely excuse to get rid of me, no? Your ugly, fat girlfriend. Oh my God. करियर का फैब दिखा के उसे US भेज दो. Oh my God. Can you stop? Can you stop this?
मैं तुम्हें इनकरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज यू आर गुड और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो. द ट्रूथ इज दैट यू डोंट लव योरसेल्फ. क्योंकि अगर तुम अपने आप से प्यार करती ना तो व्हेन वी किस्ड यू'ड लेट मी होल्ड यू एंड इफ यू लव्ड योरसेल्फ ऑल दोज अदर गर्ल्स यू वुडंट हैव केयर्ड अबाउट क्योंकि तुम जानती कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो. यू वॉन्ट द ट्रूथ? दिस होल थिंग अबाउट फैट इज ब्यूटिफुल जो तुम बोलती रहती हो ना. I don't think you believe it, Sanjana. You need to love yourself for someone else to love you. Yeah, right. I don't love myself. In fact, you know what? I can't expect anything better from you. If you don't love me, na, just be open about it, okay? मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही कि तुम मुझसे प्यार करो. If you want to leave, just go. You know what? Now, I'm done. You know what, Vikram? You were right. मैं बहुत defensive हूँ. मैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों के सारे faults को highlight करती रहती हूँ. You were right. I don't love myself. You know the greatest love story will begin only when I will start loving myself. Thanks, Vikram. मेरी ये लव स्टोरी शुरू करने के लिए. संजना, लगता बर्गर स्ट्राइक हो गई है. लड़की पूरा दिन रूम लॉक करके रो रही थी. प्रीतम होगा, थैंक गॉड वही है जो उसे संभाल सकता है. मामा, 10,000 नहीं बट 3,400 स्टेप्स डन. संजू, संजू आर यू ओके? मामा कम यू रीड दिस. क्या आइए तो सही. संजना, US के टॉप कुकिंग स्कूल कॉर्डन ब्लू का एडमिशन फॉर्म है. आई हैव अप्लाइड फॉर इट सो होपफुली बहुत जल्द एडमिशन हो जाएगा. दैट्स ग्रेट. बट यू नो मम्मा व्हाट? व्हाट? मेरे इस लो सेल्फ एस्टीम के लिए आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो. संजू प्लीज. आई नो लिसन टू मी. यू थॉट यू वुड मोटिवेट मी बाय पॉइंटिंग आउट टू माय फ्लैब्स. बार बार ये बताना कि मेरा वेट बढ़ रहा है बट यू आर नॉट. ट्रस्ट मी इट वॉज वेरी डिस्करेजिंग. आई थॉट यू वुड लव मी ओनली इफ आई लॉस्ट वेट. संजना मम्मा इट हर्ट्स अ लॉट टू नो कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर लुक में देखकर ही तुमसे प्यार करेगी. संजना, I'm so sorry. संजू, तुम मेरी बेटी हो. And I will love you always, no matter what. मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में कंसर्न थी, बेबी. I'm so sorry that I expressed myself this way. I'm really, really sorry. I hope you understand. I never meant to fat shame you. I'd never do that. और जब विक्रम ने मुझे बताया कि मेरी बातें तुम्हें ऐसी अफेक्ट होती है, I felt so guilty. आपकी विक्रम के साथ कब बात हुई? He calls every few days. तुम्हारा हाल पूछने के लिए. To see if you're okay. He still cares about you, Sanju. Sanjana, Vikram didn't break up with you because he wanted to.
He did it because he had to. क्योंकि वो जानता था that only then would you work harder. वो जानता था तुम इतनी stubborn हो. वो जानता था that that would motivate you to prove him wrong. To prove that you can really love yourself. Sanjana, Vikram तुमसे बहुत प्यार करता है. He loves you enough to know that he had to let you go. I'm so sorry, my bachcha. Vikram, La Cordoba Blue से मेरा acceptance letter आया है. Hopefully next month तक मैं US में रहूंगी इस टाइम पर. वेल, बहुत कुछ कहना है तुमसे, बट दिस टाइम आई विल कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. थैंक यू मेरी अपनी लव स्टोरी शुरू करने के लिए खुद से. एनीवे, तुम्हारी एडवाइस कुछ ज्यादा ही ली है मैंने. बचपन दे मारे बाबा आपने हमसे कही थी कि बेटा घी खाने से सेहत बना कर. फिर पिछले साल एक साइंस रिपोर्ट में किसी ने कही कि घी खाने से सेहत बिल्कुल खराब हो जाती है. उस दिन किसी ने कहा कि ब्रा पहनने से कैंसर होता है. दोस्तों, दुनिया तो बहुत कुछ कहेगी भाई. तुम कितना सुनना चाहते हो और उसमें कितना मानना चाहते हो ये तुम पे डिपेंड करता है. पर हमारी संजना को समझ में आया कि अगर वो सब की सुनेगी तो सारी जिंदगी वो इसी सोसाइटी के गंदे आइडियाज के बीच कैद होके रह जाएगी. उन तालों में जंग लग जाएगा और फिर उनको तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा. विक्रम ने थोड़ा सा साथ दिया और संजना उस दलदल से बाहर निकली जहां सब ने उसको फंसा के रखा था. सो इट्स ऑल इन द हेड गाइस.